हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सबको एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह दर्द के साथ में उठना एक ऐसा लग रहा है कि दर्द के साथ में एक रिश्ता बन गया है भाई, अभी उस रिश्ते से जुड़ रहा है। आज भाई को रात भर नींद नहीं आई दर्द के कारण। भाई तेरे साथ है बॉडी में पेन वगैरह? हाँ बहुत। मैं इससे डील कर रहा हूँ पिछले 15-20 दिनों से। अब ऐसा लग रहा है कि पूरी लाइफ, अगर आपको फिट रहना है तो इसके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा मुझे। मैंने देखा अच्छे अच्छे लोगों की वीडियो देख रहा हूँ मैं आजकल, जो 15-20 साल से जिम कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी बॉडी में भी पेन रहता है भाई। तो वही तो रहेगा लाइफ टाइम, अगर तुमको लाइफ टाइम एक्सरसाइज करना है, फिट रहना है, ये चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी चढ़ाई, पहला राउंड। भाई पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, बैक बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। जितना पसीना निकलेगा उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे, उतना सही वर्कआउट होगा, उतनी कैलोरीज बर्न होंगी। हर एक साइड के बीच में पुशअप साइड कर रहे हैं। सुबह के वर्कआउट के बाद बहुत जोर की लगती है भूख, और तब काम आती है पूजा। तो अभी मसाला ओट्स, इसमें सोया चंक ऐड किए हुए हैं, इसमें पनीर ऐड किया हुआ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो अब मुझे चीज़ें पता पड़ रही हैं कि वेज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और उनको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके साथ मिक्स करके खाओ तो बहुत टेस्टी भी लगते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो पनीर और सोया चंक्स, ये तो आप अपनी जो डेली रूटीन है आपका, जो डेली आपकी डाइट है, उसमें ऐड करो, आपको प्रोटीन मिलेगा, भर भर के प्रोटीन मिलेगा। बट हाँ, यह है एकदम से बहुत ज़्यादा मत खा लेना, एक लिमिटेड क्वांटिटी ही आपको खानी है। तो ये है कि आप उसको इंटरवल में खा सकते हो, एक दो घंटे के इंटरवल में खा सकते हो। तो अभी मैं भी यही कर रहा हूँ। बाकी सारा ज्ञान जो मेरे को मिल रहा है वो YouTube से मिल रहा है, तमाम सारी वीडियोस देखो। कुछ वीडियोस में ऐसे ही है ना, लोग ज्ञान दे देते हैं, कुछ वीडियोस में जेन्युइन ज्ञान होता है। तो आपको अपनी समझ पे थोड़ा रिसर्च वगैरह करके ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ हमको अप्लाई करनी है अपने लाइफ में और कौन सी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। आज मैंने एक्सरसाइज के बाद पहले नाश्ता किया, उसके बाद प्रोटीन ले रहा हूँ। तो एक्चुअली पूजा ने नाश्ता जल्दी बना दिया था, तो मैंने सोचा प्रोटीन बाद में ले लेंगे। तो आधे घंटे का गैप करने के बाद फिर प्रोटीन ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने नाश्ते में ऑलरेडी सोया चंक्स एंड पनीर लिया था साथ में, मसाला ओट्स के साथ में, तो उसमें प्रोटीन था। तो फिर मैंने सोचा कि आधे घंटे का गैप के बाद फिर प्रोटीन लेते हैं। एंड अभी एक चीज़ और आई है, वो है ये मेरा प्री वर्कआउट, जो कि मुझे अलग से थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो ये अभी मंगाया, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सब अनबॉक्सिंग करते हैं, कैंची से, चाकू से, हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्क्रू ड्राइवर से। ओके, ये तो ये है हमारा प्री वर्कआउट, और ये है मसल टेक का वेपर X5, और ये काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस में एंड काफ़ी ज़्यादा इस पर अच्छे खासे रिव्यूज़ थे, सब सोच समझ के तब लिया है मैंने। एंड अभी इसको यूज करेंगे तो पता पड़ेगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे क्या आते हैं, कितना क्या ये मदद करता है हमारे वर्कआउट में। एंड अभी इसको ओपन करके देखते हैं। ये ऑलरेडी ओपन है आई थिंक। अब आप बिलीव नहीं करोगे, पता है क्या हुआ है, डब्बे का साइज़ देखो कितना बड़ा डब्बा है, इतना। एंड अगर इस डब्बे के अंदर आप देखोगे तो ये देखो आधा डब्बा खाली है, आधा डब्बा खाली है, समझ रहे हो भाई? क्या बेवकूफ़ी ये करते हैं कि मतलब पूरा आधा डब्बा खाली करके दिया है उन्होंने, ये तो कुछ बात नहीं बनी भाई। आधा डब्बा खाली है भाई, अभी ये समझ भी नहीं आ रहा कि ये आधा डब्बा जो है सभी के साथ खाली आता है या मेरे साथ खाली आता है। तो एक दो वीडियो वापस से देखने पड़ेंगे, अगर ये केस सभी के साथ है तब तो ठीक है, वरना इसको रिटर्न पर डालना पड़ेगा। अभी अभी मैंने एक दो वीडियोस देखे, और उस वीडियोस में देखने के बाद पता पड़ा कि इसमें जो क्वांटिटी है वो इतनी ही आती है, मतलब इतने बड़े डिब्बे में सिर्फ आपको आधा डिब्बा ही मिलेगा और बाकी का आधा खाली। आज दोपहर के खाने में है ये सब्जियाँ हैं, ये सॉर्टेड वेजिटेबल्स है बेसिकली, है ना। एंड ये इसमें पनीर भी हमने मिलाया हुआ है प्रोटीन के लिए, और फिर अपना दही विदाउट शुगर और विदाउट सॉल्ट, चार रोटियाँ। तो अभी दोपहर में चार रोटियाँ ली हैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट लाइट रखा था तो कुछ कैलोरीज बच गई थी, तो इसलिए अभी दो रोटी एक्स्ट्रा यहाँ पर कर दी हैं। एंड क्योंकि आज थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत है, और फिर
अभी बस इतना कुछ है। चलो सो आज का अपना वर्कआउट कंप्लीट हुआ एंड टी शर्ट देख रहे हो पूरी पसीने में हो चुकी है और दीपन आज पहले चला गया क्योंकि उसको थोड़ा काम था, तो अभी आज वॉक करते हुए रनिंग करते हुए घर पे जाएंगे बस और मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रनिंग एंड अभी जिम के वर्कआउट के बाद जिम में ऑलरेडी मैंने कार्डियो कर लिया था, रनिंग कर ली थी, बट अभी फिर से रनिंग करते हुए जाऊँगा तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, अच्छी बात है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा, 200-250 किलोमीटर की रनिंग होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मज़ा आ गया, देखो पसीना। हाँ। सो बस थोड़ा दूर और बचा है। हाँ सो एक राउंड और देन अपना आज का वर्कआउट कंप्लीट, फिर आज पूजा को लेके जाना है बाहर, सो अभी घर पे जाके नहाऊंगा देन तैयार वैयार होकर फिर बाहर जाएंगे। सो आज शाम का वर्कआउट बहुत ही बढ़िया रहा, स्पेशली जब जिम के बाद मैंने जो रनिंग की वहाँ पर ट्रेडमिल में, उसके बाद फिर जब मैं जिम से अपने घर तक रनिंग करके आया वो बहुत बढ़िया रहा। एंड अभी आज मैंने एक हमारे पास वाले एक मेडिकल स्टोर पर ये वजन तोलने वाली मशीन के लिए बोला था तो उन्होंने मंगवा दी है एंड अब अपना जो वेट है वो इसी से ट्रैक किया करेंगे डेली या फिर वीक में 2-3 दिन ऐसे। सो अभी फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करते हैं कितना क्या वेट आ रहा है इसमें एंड ये इस बार वर्क कर रही है, मैं दुकान से टेस्ट करके लेके आया हूँ। सो कुछ ऐसी ये मशीन है, इसमें यूनिट्स भी लिखी हुई हैं और जिसको पता करना है कि उनका उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट कितना होना चाहिए, मैन वुमेन दोनों का लिखा हुआ है तो देख लो एक बार यहाँ पर वीडियो पॉज करके। सो ये रहा ऐसा कुछ एंड अभी अपना मेज़र करते हैं। ओके सो मेज़र करते हैं अभी अपना वाला वेट कितना है। टिंग ओके सो अभी 92.35 लास्ट टाइम मैंने जब मेज़र किया था तब 91 था, हो सकता है कि जब मैंने मेज़र किया हो उस टाइम पे मैंने खाना वगैरह नहीं खाया हो और क्योंकि मैंने मॉर्निंग में मेज़र किया था, अभी इवनिंग हो रही है तो इवनिंग में मेरा 92 आया एंड लास्ट टाइम जब मैंने 91 मेज़र किया था तब मैंने मॉर्निंग में किया था, तो अभी सुबह सुबह उठ के से डेली वेट मेज़र किया करेंगे तो पता पड़ता रहेगा कम ज़्यादा कितना हो रहा। हाँ बट ये है कि कम हो रहा है, पहले 93.65 था इवनिंग में एंड अभी 92.35 है, तो अपना वेट तो कम हुआ है, भले 1 kg हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो अभी थोड़ा और टाइम देते हैं और धीमे धीमे वेट अपना कम करते हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर अपनी डेट पे और मेरी डेट ये थी सामने बैठी हुई है माय वाइफ, खूबसूरत वाइफ मेरी पूजा। तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पे गए थे जो कि हमें पसंद नहीं आया, वहाँ का माहौल कोसंपा करके था तो वहाँ पर ऐसा कुछ वाइब मिल ही रही थी हमें, तो फिर हम वहाँ से वापस यहाँ पर आई, थोड़ा डेकोरेट जहाँ लग रहा है बढ़िया। तो अभी यहाँ पर आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा, अभी पहले यहाँ पर हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद है ना लौटते हैं ब्लॉग करेंगे। तो अभी कुछ पल चाहिए मुझे अपनी बीवी के साथ, तो अभी ब्लॉग बंद करते हैं एंड पहले हम पूरा टाइम स्पेंड कर लें, उसके बाद फिर लौटते हैं बाद में ब्लॉग करेंगे। किसका बच्चा है? मेरा। किसका बच्चा है? दीदी 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 दीदी। किसका बच्चा है? पापा का। सो कल घर पे आके कल नाइट में ब्लॉग एंड करना भूल गया एंड हुआ फिर ऐसा कि कल हमारी डेट जो थी वो मतलब हमारे लास्ट 2 times ऐसा हो रहा है कि वैलेंटाइन डे डेट हमारी बेकार ही जा रही है। हम जिस रेस्टोरेंट पे जाते हैं फर्स्ट टाइम में तब जिस रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ पर हमें ढंग की सर्विस नहीं मिलती, तो हम रेस्टोरेंट चेंज करते हैं, दूसरे रेस्टोरेंट पर जाते हैं वहाँ हमें खाना ढंग का नहीं मिलता, तो ये लास्ट 2 times हो रहा है। तो कल भी ऐसे हुआ, कल पूरा मूड ख़राब हो गया देन फिर हम लोग घर पर आए, घर पर फिर हम लोगों ने अपना अपने आप को संभाला, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं होता रहता है, तो ऐसा कुछ रहा। बाकी अभी इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक बार बोल दो हर महादेव, जय श्री राम जय श्री श्याम, और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में।